नेक्स्ट योर ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, देयर इज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको याद होगा कि हम स्टडी कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है पीरिफेरी के एलिमेंट्स में। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में एटॉमिक रेडियस को और उसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। अब हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है पीरिटरी एलिमेंट्स में उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटालिक करेक्टर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले ट्रेंड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द यू नो द एबिलिटी या यू कैन से द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। सही है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। अगर कोई एटम मजबूती से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बनिस्बत उस एटम के जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचता। सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करती है, जिसमें एटॉमिक साइज है, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट है, जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बात समझ में आ रही है। सही है, अब हम अगर जनरल बात करें ग्रुप्स और पीरियड्स की तो डाउन द ग्रुप आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सही है, और अगर पीरियड की हम जनरल बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है जबकि साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। सो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसमें अगर आप देखें तो सीजियम जो है बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप में लास्ट पर है तो वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का, और जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल टॉप पे है और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है। सही है, तो दैट्स व्हाई वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पीरिट्री की अगर हम बात करें तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा होगी, सिलिकॉन की उससे ज्यादा होगी एंड सो ऑन। आर्गन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होगी, वो नहीं होगी। सही है, क्योंकि आर्गन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो चूंकि आर्गन जो है वो किसी किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता नहीं है, दैट्स व्हाई आर्गन को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है सोडियम 0.93, मैग्नीशियम 1.31, एल्यूमिनियम 1.61 एंड सो ऑन। आप क्लोरीन तक जब हम आते हैं तो हमारे पास 3.16 तक वैल्यू आ जाती है। सो ये इस पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जबकि सोडियम जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, याद रखिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो नॉन मेटल होगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो मेटल होगा। सो इस साइड पे हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेंगे इजीली और ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। सही है, सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स हम आते हैं इन द पीरियड। ठीक हो गया,